तो गाइज एक बार फिर से सभी का स्वागत है, मैं हूँ वीपीएन और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों मैं हूँ अभी बागड़ में और निराशा भरी खबर आई है दोस्तों। देश में बढ़ रही बीमारियों को देखते हुए इस साल का मेला कैंसिल करने का निर्णय ले लिया गया है। गोगा मेडी में जो मेला लगता है वो नहीं लगने वाला दोस्तों। काफ़ी भक्त लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे गोगा मेडी मेले का। क्या है पूरा मामला, चलिए वे दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मैं देता हूं आपको पूरी की पूरी जानकारी। दोस्तों बागड़ का मेला 2022 का 2 साल बाद लग रहा है कोरोना काल के बाद। यहाँ 30 दिन मेला चलता है, 11 अगस्त से मेला स्टार्ट होता है और 30 दिन चलकर ये 10 सितंबर तक चलने वाला है। और दोस्तों यहाँ राजस्थान में पशुओं का मेला गोगा मेडी में लगता है, हर साल लगता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण नहीं लग पाया और इस बार दोस्तों फिर नहीं लग पाएगा। प्रशासन ने ये निर्णय ले लिया है कि 2022 का पशु मेला गोगा मेडी नहीं लगेगा, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि दोस्तों इन दिनों आपने भी सुना होगा पूरे देश में लंपी स्किन नामक एक रोग चल रहा है जो हमारे गोवंश की लगातार जान ले रहा है। ये रोग इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पूरे देश से खबर आ रही है जो पशुओं की चमड़ी है दोस्तों उस पर छाले हो रहे हैं। पशु है जो हमारा पशुधन है वो लगातार मर रहा है। लगातार खबरें आ रही है देश की अलग अलग गौशालाओं से जहां 200 पशु मर गए, 400 मर गए, 800 मर गए। ऐसी स्थिति को देखते हुए और मेले में एहतियात बरतते हुए ये निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और राज्य सरकार के जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको देखते हुए गोगा मेडी का जो पशुओं का मेला है, ऊँट का सबसे बड़ा मेला जो भरता है, उस पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों जो किसान भाई है हमारे लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि 2 साल बाद हमें ऊँट का जो मेला है वो देखने के लिए मिलेगा, हम वहाँ अपने पशुओं की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, तो उस पर अभी पाबंदी लगा दी गई है आगामी आदेश तक। आगामी आदेश को दोस्तों हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगले साल कोई चांस हो सकता है पशुओं का मेला लगने का, इस साल कोई भी चांस नहीं है। इस साल पशुओं का जो मेला है वो कैंसिल हो चुका है। तो जितने भी मेरे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जो मेले का इंतज़ार कर रहे थे, अपने पशुओं को यहाँ खरीदने और बेचने के लिए ला रहे थे, वो कृपया न लाएं। इस रोग को देखते हुए सरकार ने ये सख्त आदेश दे दिया है कि 2022 का गोगा मेडी पशु मेला नहीं लगने वाला। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको गोगा मेडी की छत के ऊपर से दृश्य दिखाया था, जिस ओर पशुओं के मेले लगाने की जो तैयारियां चल रही थी उसका दृश्य दिखाया था कि ट्रैक्टर चल रहे हैं। चलिए मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूं, ये आप सामने देख सकते हो दोस्तों। इसी साइड पशुओं का जो मेला है वो भरता है हर साल, 2 साल से नहीं भरा और इस साल भी नहीं भरने वाला। यहाँ मेले की तैयारी के लिए साफ सफाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, परंतु जो रोग आ रहा है हमारे गोवंश में लंपी स्किन, उसके कारण इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने पूरी यहां तैयारी कर ली थी मेले की, क्योंकि गोगा मेडी का मेला काफ़ी फेमस है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश काफ़ी ऐसे प्रांत है जहाँ के जो पशु व्यापारी है वो अपने पशुओं को यहाँ खरीदी बिक्री के लिए लाते थे। ये पूरा का पूरा दृश्य आप पीछे देख सकते हो दोस्तों, इसी जगह मेला भरने वाला था, अभी मेला कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और गोगा मेडी से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको घर बैठे ऐसी सभी सूचनाएं मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।